हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल नई पुरानी रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज मैं सूजी की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने लिया है एक बाउल। आप एक बड़ा सा बाउल ले लें। इसमें मैं डालूंगी एक कटोरी सूजी। ये बारीक वाले सूजी है, आप चाहे तो इसमें मोटे वाले भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने लिया है गुड़। ये जितना सूजी है ना, उसी के हिसाब से इसको गुड़ भी लेंगे। एक कटोरी गुड़ लिया है। अब इसको मैं पानी डाल करके अच्छे से पिघला लूँगी। अगर आप इसे गैस पे पिघलाएंगे तो सूजी को फूलने में टाइम लगेगा, तो कोशिश करें कि इसे आप ऐसे ही पानी में बढ़िया से पिघला लें, जिससे क्या होगा कि आपकी सूजी जल्दी फूल जाएंगे। जब तक गुड़ पिघल रहा है, तब तक आप देख सकते हैं हमने थोड़े नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। आप देख सकते हैं ये आधी कटोरी के लगभग में है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब इधर देखिए, हमने एक पैन को गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी, यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल डालूँ, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब ये गर्म हो जाए, इसमें मैं डाल दूंगी ये जो ग्रेट की हुई नारियल है, इसको डाल करके इसको लो फ्लेम पर ही गोल्डन कलर होने तक मैं भून लूँगी इसे। आप चाहे तो इसे कच्चा भी ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा भून करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो आप कोशिश करें कि इसे थोड़ा सा फ्राई करके ही डालें। देखिए नारियल भून गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसे फटाफट निकाल लूँगी। और इसी पैन में थोड़े कटे हुए बादाम देख सकते हैं, और इसमें थोड़े कटे हुए काजू और पिस्ते को मैं डाल करके इसको भी भून लूँगी। लो फ्लेम पर ही इसको भी फ्राई करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते भूनने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये भुन गया, इसे मैं फटाफट निकाल लूँगी। और इधर देख सकते हैं हमने सूजी में गुड़ वाले पानी डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा ही करके मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा गीला ही अभी रखना है, क्योंकि जब इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ूंगी ना, उसके बाद ये सेट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जो भुने हुए नारियल है। बहुत बढ़िया स्वाद आता है फ्रेंड्स, और स्मेल तो अभी से इतनी अच्छी आ रही है इसकी। इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसको भी मैं डाल दूँगी। थोड़ी किशमिश को भी कट करके डाल देंगे इसमें, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी, यहाँ पे दो इलायची को हमने कूट करके ले लिया है, इलायची का पाउडर वो मैं डाल दूंगी यहाँ पे। इसके बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर थोड़ी गाढ़ी दिख रही है, तो इसमें मैं जो बचे हुए वो गुड़ वाले पानी है उसको भी मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि बढ़िया से सूजी अच्छे से फूल जाए। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूजी अच्छे से फूल गया है, एकदम दानेदार सा दिख रहा है आपको, दाना दाना अलग है इसका, मतलब ये बहुत बढ़िया से सूजी फूल करके तैयार हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स जो आते हैं ना, थोड़े से ब्रेड का चूरा मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे अब थोड़ा थिक करना है इसको। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर है। आप इसे नहीं भी डालेंगे तब भी बहुत बढ़िया बनेगा, अगर है तो आप इसे ज़रूर डालें। एक बार और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बन करके तैयार हो गया, बिल्कुल घोल बढ़िया सा। बिल्कुल ऐसे ही घोल चाहिए हमें इसको बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। अगर ऐसा ही घोल रहेगा तभी इसका बहुत बढ़िया बनेगा जो हम बनाने वाले हैं। इधर पैन में देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसको बढ़िया से गर्म कर ले। इसके बाद आपको छोटे चम्मच से ही बिल्कुल ऐसे अंडा कार्ड में थोड़े लंबे लंबे एक एक करके डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसका साइज गोल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना थोड़े लंबे में, तो ये बहुत बढ़िया देखने में भी लगेगा और खाने में तो खैर लाजवाब ये होने ही वाला है। बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है ये। अब एक चम्मच की हेल्प से बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल सबके ऊपर डालेंगे, जिससे कि ऊपर से भी ये पकने लगेगा अच्छे से। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना बढ़िया ऊपर से भी फ्राई हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, एक एक करके सबको पलट लूँगी, जितने भी है ये सबको बिल्कुल इस तरीके से आराम आराम से पलटें, ताकि टूटे भी ना, क्योंकि ऊपर से अभी इतने नहीं पके, थोड़े थोड़े कच्चे भी है ये। सबको पलट लिया है हमने। अब इसको क्या करना है, बीच में थोड़ा थोड़ा चेक भी करते रहेंगे, ताकि ये जले नहीं और ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छे से बढ़िया से सिक सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया पक गया है। इसको पकते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना सुंदर दिख रहा है, जितना सुंदर दिख रहा है इतना ही यमी है, काफ़ी टेस्टी है ये, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत लाजवाब। अब इस पर क्या करना, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत स्वादिष्ट है। अगर चाहे तो आप इस पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके अगर मलाई डाल देंगे ना, तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब ऊपर से थोड़े से हम काजू और पिस्ता से देख सकते हैं इस तरीके से गार्निश कर देंगे, जो इसके लुक को और खूबसूरत बना देगा। तो देखिए कितना सुंदर, कितना टेस्टी, बढ़िया सा मलाई पुआ बन करके तैयार हो गया। ये मालपुआ से भी बहुत ज़्यादा हटके मालपुआ को टक्कर देने वाला है। और सच बताओ ना फ्रेंड्स, तो इसमें टेस्ट इतना बढ़िया आता है, जो हम डोडा बर्फी खाते हैं ना, डोडा बर्फी मालपुआ सबका टेस्ट इसमें आता है, बहुत बढ़िया। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो लेकर आऊँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।